पाकिस्तान क्रिश्चियन एसोसिएशन यूएसए के ज़ेर एहतमाम न्यूयॉर्क के एक चर्च पर पिशावर में कत्ल होने वाले क्रिश्चियन नदीम जोसेफ की जुरत को खराज तहसीन पेश करने के लिए शमें रोशन की गईं। मुकर्ररीन ने नदीम जोसेफ उनकी सास और बरादर निस्बती के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ एहतजाज भी किया। इस मौके पर हाजरीन ने हकूमत वक्त से पाकिस्तान में बसने वाले गैर मुस्लिमों से गैर इंसानी सलूक और हरासा करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक निपटने का मुतालबा भी किया। इस मौके पर बैनुल मज़ाहिब यकजहती का फकीदुल मिसाल मुजाहरा भी देखने में आया। नदीम जोसेफ और अहले खाना के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वालों में पाकिस्तानी मुसलमानों और दीगर मजाहिब के ख्वातीनों हजरात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक सेक्रेटरी इतलात पीपीपी पंजाब और वजारत अमूर नौजवानान के स्पेशल एडवाइज़र फखरुद्दीन चौधरी ने मुदल्लल और पुरजोश खिताब किया, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। नदीम जोसेफ, मैं टीवी कॉलोनी से थोड़ी आज तक एक कार लेता सी, ठीक है, उसकी पेमेंट अजे फुल नहीं की थी, ठीक है, उसकी वजह ओ, लेकिन कब्जा असाने लै लिता है सी। कब्जा लैके तो असं शिफ्ट हो चुके हुए साढ़े नेबर्स बिल्कुल अपोजिट घर वाले सिलोचर स्पोर्टर का कार बाहर करते सन, ठीक है, उस उन्हें सारे दो ते 24 घंटे बैठा के रखा हों, जो कोई भी सामने आवे ना वह उन्हू मार सब कुछ पुलिस थाने वाले ने भी पता सी, लेकिन वो पिछे काम नहीं कर रहे। मैंने भी जो उन्होंने क्लैशन बोफा कड़िया ने तो मैंने उदो 15 तो फोन किया, 15 तो फोन किया, तो फिर मैं उन्होंने वीडियो बनाने लगा। वीडियो बनाते उन्होंने उन्होंने भी वेख लिता है, हैं? तो उदे बाद उन्होंने मैं क्लैशन बोफा देना मारने शुरू हो गया। अच्छा हूँ नदीम, तेरी डिमांड की है, तेन खौफ का है? मैं जान का बस खतरा इन्ना से। हॉस्पिटल च भी? हाँ, हॉस्पिटल देश भी। चौधरी सेक्रेटरी इनफॉर्मेशन पीपीपी पंजाब, ही वाज़ अ फॉर्मर सेक्रेटरी इनफॉर्मेशन, वी हैव हिम विद अस एंड ही वाज वन ऑफ दोज पर्सन्स हु प्रेजेंटेड द केस ऑफ आसिया बीबी। Asia Bibi, who was suffering 9 years in jail for a crime which she didn't commit, she was punished for 9 years just because she drank the water from the same glass as a Christian, where the Muslim girls or women working in the field used to drink the water from the same glass. So we have with us Dr. Fakhruddin Chaudhary, please come forward. Bismillahirrahmanirrahim. हम न आंखें चुरा कर जिए न सर झुका कर जिए, हम जिए तो सतमगढ़ों की आंखों में आंखें डाल कर जिए, जो एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही काफी है कि हम मशालें जला कर जिए। मेरे दोस्तों, आज हम एक अजीम आवाज बुलंद करने के लिए, एक अजीम जज्बा अपने दिलों में लिए, एक राह हक के ऊपर चलते हुए एक क्षमा रोशन करने के लिए यहां पर आए हैं। और हम उस शहीद को, उस अजीम शख्स को कि जिसको सिर्फ इस पदार्थ में कत्ल कर दिया गया कि वो एक क्रिश्चियन था, हम उसके खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करने के लिए, हम इस जुल्म और जाहिलियत के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन जब हम देखते हैं पाकिस्तान में, तो हर वो अकलियती रहनुमा, वह वो क्रिश्चियन है, वह वो सिख है, वह वो हिंदू है, वो अपने हकूक के लिए जब आवाज बुलंद करता है तो उसको सिर्फ 10% पाकिस्तान के वो लोग कि जिनको कुरान ने ये कहा कि क्यामत वाले दिन इनकी चेहरों पर दाढ़ियां होंगी, इन्होंने अपने टखनों से ऊपर शलवारें पहनी होंगी, लेकिन ये जहन्नम की आग में
चला दिए जाता है कि कुरान में ये अकाम मौजूद नहीं है और ये इन्हीं 10% लोगों के इनके मुतालिक कहा गए हैं जो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर जो चेहरों पर बनावटी दाड़ियां सजाकर और तखनों से ऊपर शलवारें बांध कर यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारा रबता खुदा से हो गया है, अब हमारा हकूक लिबाद के ऊपर कोई तल्लुक नहीं है। आओ मेरे साथ कुरान की जुबान में बात करो, आओ मेरे साथ हदीस के बात में बात करो, लाओ वो कुरान कौन सी आयत है कि जिसमें ये लिखा गया है हकूक लिबाद नहीं है। मैं ये कहता हूँ दहशत मुसलमान होने के, मैं ये कहता हूँ दहशत कुरान का तारी होने के, मैं दहशत एक हदीस का तालब इलम होने के नाते ये चैलेंज करता हूँ दाड़ियों वालों को कि आओ मेरे साथ डिबेट करो, कुरान को सामने रखो, मैं कुरान के हवाले से बात करूंगा कि क्या कुरान ये नहीं कहता, क्या कुरान ये नहीं कहता, क्या हमारा नबी ये नहीं कहता कि अगर तुम्हारी मस्जिद में कोई गैर मुस्लिम भी आ जाए तो उसके लिए मस्जिद का एक कोना जो है वो खत्म कर दो और उसको अपने तरीके से इबादत करने दो। क्या तुम नबी से बढ़ के हो, क्या तुम इस्लाम को नबी से ज्यादा जानते हो? अगर नहीं जानते तो फिर क्यों उस जोसफ को शहीद किया गया कि जिसने तुम्हारे घर में मकान दिया, इसलिए कि तुम उसको अपनी रात में रुकावट समझते थे, तुम्हारे बच्चे उसके बच्चे की मोटरसाइकिल का हॉर्न बर्दाश्त नहीं करते थे, तुम्हारे बच्चे उसमें बीवी का वहां से निकलना द्वारा नहीं करते थे क्योंकि वो क्रिश्चियन था। लेकिन मेरा नबी तो वो है, मेरा नबी तो वो है कि जिसने एक ईसाई के मुंह में निवाला खुराक का डाला, उसने उसको कहा कि मुंह खोलो और उसने आधा निवाला एक ईसाई को दिया और आधा निवाला खुद खाया। तो ये क्या था बस, ये क्या था? तुम बहुत कहते हो कि हलवा जो एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूरी खा लिया वो तुम्हारी सुन्नत बन गया, और जो ईसाई को एक खाना खिलाया, जो एक क्रिश्चियन को अपने मुंह में से निकाल के आधा निवाला उस क्रिश्चियन को खिलाया वो तुम्हारी हदीस नहीं बना, उसको तुम मुंबर पे बैठ के बयान नहीं कर सकते, ये कहां का इस्लाम है। तो दोस्तों आज जरूरत इस बात की है कि हम बिस्मिल्लाह वो ला जो पाकिस्तान कानून में एक काले कानून की हैसियत रखता है, वो कानून जिसको एक अमर एक डिक्टेटर जनरल मोहम्मद जब हक ने बनावट किया था। मैं ये कहता हूँ चैलेंज के साथ कहता हूँ कि इस काले कानून के ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने साइन नहीं किए, किसी सियासी जमात ने साइन नहीं किए, बल्कि ये इम्पोज किया गया एक डिक्टेटर और अमर की तरफ से। ये पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किए, तो फिर क्या वजह है कि यहाँ पर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात का ऐलान करती है कि हम तौहीन रिसालत में अमेंडमेंट करनी चाहते हैं, जब सुलेमान तस्वीर ये कहता था कि हम तौहीन रिसालत में अमेंडमेंट करना चाहते थे, बहसियत बखुदा बहसियत मुसलमान हम तौहीन रिसालत कानून को खत्म नहीं करना चाहते बल्कि हम इसमें तरमीम करना चाहते हैं, और वो तरमीम ये है, अगर तुम इस तरमीम की बात करते हो तुम्हें इस बात की वजाहत नहीं है कि आप तरमीम क्या चाहते हैं। यहाँ पर 99% केसेस तौहीन रिसालत के ऐसे हैं जो सिर्फ जायदाद के ना बेचने की वजह से, जो रिश्ते ना देने की वजह से, जो किसी अपने जाती मुफाद के लिए बनाए गए, और आपने वहां पर उसको तौहीन रिसालत का कानून दे दिया। हम ये अमेंडमेंट करना चाहते हैं कि अगर एक मैं किसी शख्स में तौहीन रिसालत का पर्चा दर्ज कराता हूँ, 22 साल वो इस केस की पैरवी करता है, इस केस के ऊपर लड़ता है, 23वें साल में साबित हो जाता है ये केस झूठा था, तो उसको सजाए मौत की सजा जो है वो सुनाई जाती है। तो क्या भाई ये तरमीम नहीं हो सकती कि अगर मैं किसी के ऊपर गलत तौहीन रिसालत का पर्चा दर्ज कराता हूँ तो फिर अगर 22 साल बाद साबित हो जाता है कि मैं झूठा था तो फिर मुझे भी सजाए मौत होनी चाहिए। बातें बहुत थी लेकिन चूंकि वक्त की कमी है लिहाजा मैं इस एक शहर के साथ आप से इजाजत चाहूंगा कि ये मजहब के जो व्यापारी है, ये मजहब के जो व्यापारी है ये सबसे बड़ी बीमारी है, वो जिनके सिवा सब काफे हैं, वो जिनका हर अर्थ आकर है, इन धोखे बाज लुटेरों से, बाजार के इन बीमारों से, मजहब के इन ठेकेदारों से मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।